हेडलाइंस प्रायोजक छे स्वास्थ्य नी साधना ईश्वर नी आराधना पांच तारा अने फाइव स्टार फराळ वडे ज व्रत फड़े। समलैंगिक लग्न ने मान्यता आपवानो सुप्रीम कोर्ट नो इनकार, कहू कोर्ट कायदो बनावी शके नहीं, मैरेज एक्ट में फेरफार करवानो काम सरकारनो। बाबा बागेश्वर फरी एक वार करशे दिव्य दरबार। अमदावादना हाथीजण विस्तार में दिव्य दरबार नुं करायुं आयोजन। 18-20 दरमियान धीरेन्द्र शास्त्री नो दिव्य दरबार योजाशे। दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नुं करायुं आयोजन। वहीदा रहमान ने मळ्यो दादा साहेब फाळके एवोर्ड। नमस्कार, आप जो रहा छो गुजरात न्यूज। नजर करी अत्यार सुधीना समाचार पर। प्रथम वाइब्रंट समिट ने 20 वर्ष पूर्ण थता तेनाज भागरूपे राज्य सरकार द्वारा वाइब्रंट गुजरात वाइब्रंट डिस्ट्रिक्ट नो एक नवतर अभिगम हाथ धरवामां आव्यो छे। त्यारे आ नवतर अभिगम अंतर्गत अमदावाद खाते मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल उपस्थिति में एक कार्यक्रम नु आयोजन करवामां आव्यु हतु। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम हॉल खाते आ कार्यक्रम योजाई गयो। कार्यक्रम दरमियान मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले जणाव्यू के दरेक जिल्ला में कोई ने कोई औद्योगिक विशेषता छे जेने वाइब्रंट समिट बहार लावानो प्रयत्न करे छे। अत्यार सुधी 25 जिल्ला में कार्यक्रम योजायो, जेमां 2590 एमओयू पर हस्ताक्षर करवामां आव्या हता। વધુમાં મુખ્યમંત્રીએ માહિતી આપતા જણાવ્યું કે અત્યાર સુધી રાજ્યમાં 25,000 કરોડનું રોકાણ આવ્યું છે, જેના થકી 65,000 રોજગારી ઉદ્ભવશે। સમિટમાં પહેલીવાર એક નવતર પ્રયોગ આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈની પ્રેરણાથી આપણે કર્યો છે। રાજ્યમાં દરેક જિલ્લાનું કોઈ ને કોઈ ઔદ્યોગિક પોટેન્શિયલ છે, તેને પણ વાઇબ્રન્ટ સમિટના માધ્યમથી ગ્લોબલ પ્લેટફોર્મ આપવા માટે આપણે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ ડિસ્ટ્રિક્ટ કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો છે। અત્યાર સુધીમાં 25 જિલ્લામાં આ કાર્યક્રમ થયો, 2590 એમઓયુ થયા અને 25,000 કરોડથી વધારનું રોકાણ રાજ્યમાં આવવાનું છે। આ રોકાણની સાથે સાથે 65,000થી વધુ રોજગારીઓ પણ ઊભી થવાની છે। વાઇબ્રન્ટ સમિટ 2024ના જાન્યુઆરીમાં વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં યોજાવાની છે, ત્યારે એના પૂર્વ રૂપે આ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ ડિસ્ટ્રિક્ટ આયોજન રાજ્યમાં વાઇબ્રન્ટ માહોલ ઊભું કરનારું બન્યું છે। આજની વાઇબ્રન્ટ અમદાવાદ સમિટ તેના જ પરિપાક રૂપે યોજાઈ રહી છે। દરેક જિલ્લાનું પોટેન્શિયલ અને સ્ટ્રેન્થને દુનિયા સમક્ષ મૂકવા અને રોકાણકારોને આકર્ષવા માટેની આ અનોખી પહેલ, જિલ્લા સ્તરે ઉદ્યોગકારો રોકાણકારોમાં પાર્ટિસિપેશન અને ઓનરશીપની ભાવના જન્મે, વાઇબ્રન્ટ સમિટ બ્રાન્ડિંગ અને બોન્ડિંગ બંનેનું પ્લેટફોર્મ બની રહે તેવો આપણો હેતુ છે। ગુજરાત લેવલે એ છેક જિલ્લા સુધી કેવી રીતે પહોંચાડી શકીએ એનો પ્રયત્ન ગુજરાત સરકાર દ્વારા આ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ ડિસ્ટ્રિક્ટના આયોજનથી આપણે કરી રહ્યા છીએ। આ ઉપરાંત મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાજ્યમાં શહેરી જનજીવન સુખાકારીમાં વૃદ્ધિ થાય તે માટે વધુ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભરી સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના વધુ 3 વર્ષ લંબાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે।
वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए राज्य में वधता जता शहरीकरण ने पगले शहरीजनों की माळखाकीय सुविधाओं अने जरूरियातो पूर्ण करवाना हेतुथी गुजरात की स्थापना 50 वर्ष की उजवणी स्वर्णिम जयंती अवसरे 2009 और 10 में तत्कालीन मुख्यमंत्री तरीके आ स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना शुरू करावी हती। आ योजना में भौतिक आंतरमाळखाकीय सुविधा अन्वये स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज जल संचय ने लेक ब्यूटिफिकेशन ना कामों शहरी सड़क ना कामों पानी पुरवठा गटर व्यवस्था ना कामों तेमज स्ट्रीट लाइट ना कामों वगैरे माटे नगरों ने महानगरों में ग्रांट फाळवामां आवे छे। एटलू ज नहीं सोशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीज अन्वये अर्बन हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल आंगणवाड़ी लाइब्रेरी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित की जो सुविधाओं छे आ सुविधाओं ना कामों नो समावेश करवामां आव्यो छे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अंतर्गत कमलम खाते एक बैठक नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। विविध जिल्लाओना प्रमुख अने इन्चार्ज साथे आयोजित बैठक में दुष्यंत गौतम रजनी पटेल बलवंतसिंह राजपूत मयंक नायक अने संयोजक राणा देसाई खास उपस्थित रह्या हता। महत्वनुं छे के आ योजनानी जाणकारी तमाम लोको सुधी पहोंचे ते माटे आ बैठकनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। गरीब अने मध्यम वर्गना लोको सुधी आ योजनानो लाभ मळी रहे ते प्रकारे कार्य करवाना आदेश पण अपाया हता। અમદાવાદના હાથીજણ વિસ્તારમાં ફરી એકવાર બાબા બાગેશ્વર ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના દિવ્ય દરબારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે હાથીજણ ખાતે તારીખ 18-20 દરમિયાન ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીનો દિવ્ય દરબાર યોજાવાનો છે, જેને લઈ આજે કળશયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। 18 ઓક્ટોબર 3 દિવસ ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીની કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ કથામાં 1.5 લાખ ભક્તો આવે તેવી શક્યતા છે। આ ઉપરાંત કથા બાદ રાત્રિ દરમિયાન ગરબાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી ગુજરાતમાં નવરાત્રીની ઉજવણી કરશે। નવરાત્રી મહોત્સવની વાત કરીએ તો નવરાત્રી મહોત્સવની ઉજવણી સમગ્ર ગુજરાતમાં હર્ષોલ્લાસ સાથે કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે અમદાવાદમાં શેરી ગરબામાં પણ લોકો ઉત્સાહભેર ભાગ લેતા હોય છે। ત્યારે નરોડા ખાતે આવેલ બાલાજી રેસિડેન્સીમાં પણ નવરાત્રી પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં યુવક મંડળ દ્વારા વિશેષ આરતીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 501 દીવડાને સાથે રાખી આ મહાઆરતી કરવામાં આવી હતી, ત્યારે આ આરતીમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। કચ્છમાં રાજ પરિવારના વંશજો દ્વારા પરંપરાગત 8મના દિવસે સવારે પતરી વિધિ કરાતી હોય છે, જે વિધિ ભુજમાં આવેલ કચ્છના કુળદેવી આશાપુરાના સ્થાનક માતાના મંદિરમાં થતી હોય છે। પતરી વિધિ માટેના વિવાદની વચ્ચે આ વખતે 8મના દિવસે પતરી વિધિ માટે 13 ઠાકુર મયુરધ્વજસિંહ જાડેજાની નિમણૂક કરવામાં આવી છે। મહારાણી પ્રીતિદેવી ઓફ કચ્છ દ્વારા 13 ઠાકુર મયુરધ્વજસિંહ જાડેજાનું નામ પસંદ કરવામાં આવ્યું છે। આમ આ વખતે કાયદાકીય રીતે મહારાણી પ્રીતિદેવી ઓફ કચ્છ દ્વારા રાજવી પરિવારના મયુરધ્વજસિંહને પતરી વિધિ કરવા માટે નિમવામાં આવતા તેઓ આ વર્ષે પતરી ઝીલીને કચ્છની સુખાકારી માટે પ્રાર્થના કરશે। વિધિમાં ડુંગરોમાંથી લવાયેલી એક સુગંધી વનસ્પતિ માતાજીના શિરે ચડાવવાતી હોય છે। આ વિવાદ 2009 થી ચાલુ થયો, નકર હું 13 વર્ષનો હતો ત્યારે મારા સ્ત્રી સાથે બધા ભાયાતુની સાથે આ પૂજામાં હું જોડાયેલો છું। ત્યારે કોઈ એવું હતું જ નહીં, ત્યારે મહારાવશ્રી પોતે જાતા પૂરા આખે આખા ભાયા ત્યાં ભેગી થતી, જેમ અમે કીધું એમાં કોઈને કાંઈ આમંત્રણ હોય નહીં, જે 7મનું હવન થાય એના પછી 8મની પતરી વિધિ થતી, એ જગ જાહેર હતું અને એમાં બધાને આમંત્રણ હતું। આપણે બધા ભાયાતું આખી જાડેજા વંશના બધા ભાયાતું ભેગા થતા અને સાથે મળી અને આ પૂજા પતરી વિધિ કરતા, એમાં જે હેડ હતા મહારાવશ્રી એ પતરી વિધિ લેતા અને ભાયાતું સાથે રહેતા। આ વર્ષો જૂની પરંપરા ચાલી આવતી, એમાં કોઈ મહારાવશ્રી કે કોઈ રોહા જાગીરને, રતારિયા જાગીરને, નલિયા જાગીરને, દેવપર જાગીરને જો આદેશ દે તો એ સાથે ભાયાતું રહીને ભાઈ પણ હેડ મહારાવશ્રી હતા
અને આપના જે ફેમિલીમાં જે હેડ હોય એ નક્કી કરે કે આ પત્રી વિધિ કે કોઈ પણ પૂજા કોને કરવાની છે. હું 15-20 વર્ષનો હતો અને પૂજા અર્ચના કરવા જતો અને આજની પરિસ્થિતિ 2009-10 જ્યારે બાવા સાહેબ હતા ચોક્કસપણે. નસવાડી MGVCL પર નાની જરી ફીડરમાં આવતા ખેડૂતોને વીજ પાવરની અનિયમિતતા બાબતે ખેડૂતો રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા હતા. જોકે ઇજનેરો હાજર નહોતા અને હાજર ન હોવાથી MGVCLની કચેરીએ ખેડૂતોએ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા અને જો નિરાકરણ નહીં આવે તો ભૂખ હડતાલ પર બેસવાની ખેડૂતોએ ચીમકી પણ ઉચ્ચારી હતી. અમારું જે કપાયેલી સબસ્ટેશન આવેલું છે એમાં અમારું ફીડર નાની જરી લાગે છે. એમાં અમારા 15-20 ગામ જોડાયેલા છે. આ 15-20 ગામના ખેડૂતોને દરરોજની સમસ્યા છે કે સવારનો અમારે રેગ્યુલર 8 કલાકનો અમારો જે પાવર મળવો જોઈએ ખેડૂતોને એ પાવર અમને અત્યાર સુધી આ 15 દિવસથી અમારા ખેડૂતો રજૂઆત કરવા છતાં પણ નથી મળતો અને હેલ્પરોને રજૂઆત કરે તો એ રિપેરિંગ કરવા માટે આવે પણ એનું સોલ્યુશન આવતું નથી. ખેડીને મળે તો ખેડૂતોને બહુ મોટું નુકસાન થાય. હવે અમારે એના ઉપર જ જીવાદોરી ચલાવવાની છે. ખેડૂતોને કપાસ નિષ્ફળ જાય તો અમે બધા ખેડૂતો પાયમાલ થઈ જાય. હવે સરકારને અને કર્મચારી MGVCLને આ વિચારીને ખેડૂતોના હિતમાં કંઈક રસ્તો કાઢવો જોઈએ. જ્યારે અમે રજૂઆત કરવા આવ્યા ત્યારે અહીં ઓફિસમાં જે એન્જિનિયર છે હાજર નથી, મિટિંગમાં ગયેલા છે. અમારા પાકને કંઈ બી નુકસાન થાય છે એની જવાબદારી કોણ લેશે? જ્યારે કંઈ નુકસાન થશે ત્યારે અમે કોઈ જેબી પર કેસ કરી શકશું. નસવાડી તાલુકાના 30 થી વધુ ગામોના ખેડૂતો અલગ અલગ ગામોમાંથી આવે છે. આપ તસવીરમાં જોઈ રહ્યા છો જે ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પાણી લેવા માટે જે વીજ પુરવઠો જોઈએ તે મળતો નથી અને જેના કારણે તેઓ મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની પર રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા હતા, પરંતુ અહીંયા કોઈ અધિકારી નથી. આ ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે અમારે અત્યારે સિંચાઈના પાણીની તાતી જરૂરિયાત છે, તેવા સમયે વીજ પુરવઠો મળતો નથી. સરકાર મોટી મોટી વાતો કરે છે ખેડૂતોને 8 કલાક વીજ પુરવઠો, પરંતુ 1 કલાક પણ વીજ પુરવઠો તેઓને મળતો નથી અને જેના કારણે તેઓનો મોલ સુકાઈ જાય તેવી સ્થિતિમાં છે. હાલ જે નસવાડી તાલુકાના ખેડૂતો છે જે કપરાલી ફીડર ઉપરથી વીજ લાઈન જે વીજ પુરવઠો ખેતી માટે આપવામાં આવે છે તેમાં વીજ પુરવઠો ના મળતા ખેડૂતો નિરાશ થયા છે. રફીક દણીવાલા, ગુજરાત ન્યૂઝ, છોટા દેવું. અને વાત કરીએ ફિલ્મોની, થોડા દિવસ પહેલા યારિયા ફિલ્મ રિલીઝ થઈ હતી અને યારિયા ફિલ્મ બહુ જ સફળ થઈ હતી. ખાસ આપને જણાવીએ કે દિવ્યા ખોસલા કુમારની ડાયરેક્ટોરિયલ ડેબ્યુ ફિલ્મ યારિયા રિલીઝ થઈ હતી, જેને બોક્સ ઓફિસ પર જોરદાર રિસ્પોન્સ મળ્યો હતો. હવે 9 વર્ષો બાદ મેકર્સ તેનો સિક્વલ લઈને આવી રહ્યા છે, યારિયા 2. આ ફિલ્મમાં કોમેડી, લવ, બ્રેકઅપ આ બધું જ જોવા મળશે. દિવ્યા ખોસલા કુમાર, મિઝાન જાફરી, પરલવી પુરી આ ફિલ્મના સ્ટાર અમદાવાદની મુલાકાતે આવ્યા હતા, જ્યાં તેમણે ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે ખાસ વાતચીત કરી અને નવરાત્રીમાં ગરબે પણ ઝૂમ્યા હતા. યારિયા ફિલ્મ કે જે સુપર હિટ રહી હતી, લોકોને ખૂબ જ પસંદ આવી હતી, હવે 9 વર્ષ પછી ફરી એક વખત એ જ ફિલ્મની સિક્વન્સ યારિયા 2 આવી રહી છે કે જેમાં ટ્રેલરમાં આપે જોયું છે કે આપને ધમાકેદાર એક્ટિંગ, ઇમોશન્સ, કન્ફ્યુઝન, ડ્રામા બધું જ જોવા મળી રહ્યું છે. ટ્રેલર પછીથી જ આપણે બધા રાહ જોઈ રહ્યા છે કે આ ફિલ્મ ક્યારે આવશે. 20 ઓક્ટોબરે આ ફિલ્મ તો રિલીઝ થઈ રહી છે, પણ રિલીઝ થતાં પહેલાં આ ફિલ્મ વિશે વધુ જણાવવા માટે આ જ ફિલ્મના સ્ટાર્સ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. દિવ્યા ખોસલા કુમાર, પલ્વી પુરી એન્ડ મિઝાન જાફરી, વેલકમ ટુ ગુજરાત ન્યૂઝ. થેન્ક યુ ફોર હેવિંગ અસ. થેન્ક યુ સો મચ. કેમ છો ગુજરાત? કેસે આપ લોગ? એકદમ ગુજરાતી કે લિયે, મતલબ નવરાત્રી કે ટાઈમ પે આયે હૈ તો હમ ગુજરાતી મે ભી કાફી બાત કરેંગે, લેકિન પહેલે ફિલ્મ કે બારે મે બાત કરતે હૈ. દિવ્યા જી,
क्या अलग देखने मिल रहा है, काफी टाइम के बाद यारियां के बाद यारियां टू, पहले फ्रेंड्स अब कजिन्स, और क्या अलग देखने मिलेगा? सो बेसिकली यारियां टू जो है वो कजिन्स की यारियां के ऊपर है, और आज तक हिंदी फिल्म पर्दे पे कजिन्स की दोस्ती यारी कभी नहीं दिखाई, और हम अपने कजिन्स के साथ ग्रो अप होते हैं, उनके साथ बड़े होते हैं, तो बहुत हम तीनों कजिन्स प्ले कर रहे हैं और हमारा क्रेजी बॉन्ड है, जैसे कि जेंजी जनरेशन का होता है, हम बहुत सारी मस्ती करते हैं, मेरे कजिन्स मुझे बिगाड़ते भी हैं, अच्छा एडवाइस भी देते हैं, और बहुत दोनों बहुत बहुत नॉटी हैं, तो बहुत मज़ा आएगा सबको, बहुत सारी कॉमेडी है पिक्चर में, बहुत एंटरटेनमेंट है, ड्रामा, इमोशन, लव, रोमांस, हार्ट ब्रेक, सब कुछ है, एंड फिल्म में इट्स अबाउट ग्रोइंग अप, हम तीनों कैसे ग्रो अप होते हैं, एक दूसरे के ऊपर कितना डिपेंड करते हैं, सो आई थिंक कि हमारे जो इंडिया का कल्चर है उससे बहुत लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि हम एक्चुअली अपने कजिन्स के साथ ग्रो अप होते हैं, आजकल क्या हो गया है कि सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, अपनी अपनी अलग अलग जिंदगियों में चले जाते हैं, तो बॉन्ड कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है, तो आई थिंक फिल्म जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ेगी कि हमें कैसे रिश्ते ज़िंदगी भर निभाने चाहिए, और सब लोग पिक्चर देखने के बाद पहला कॉल अपने कजिन्स को करेंगे, सो आई थिंक इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ नॉस्टैल्जिया। आपका खुद का फ्रेंड्स के साथ और कजिन्स के साथ का इन्वॉल्वमेंट कैसा रहता है? बहुत बहुत अच्छा रहता है, जैसे कि मैंने बताया कि हम अभी अपने अपनी लाइफ्स में बिजी हो गए हैं, तो ओकेजनली मिलते हैं, बट आई थिंक हमें ये बॉन्ड हमेशा बहुत संभाल के रखना चाहिए, बिकॉज़ ये वो बॉन्ड है जो हमें बचपन से हमारे साथ होता है, तो एवरीबडी विल रियली रियली रिलेट टू दिस। ओके, मिजान जी से भी जानेंगे कजिन्स के बारे में और ये स्टोरी के बारे में, आपके रोल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो पहला एक यूनिक सब्जेक्ट है जो हिंदी फिल्मों में दर्शाया नहीं गया अभी तक, एंड ये जो कजिन्स की कहानी है इतनी स्पेशल है, इतनी अलग है, बिकॉज ये जो तीनों कजिन्स हैं बहुत ही अलग हैं, बट आई थिंक उनके अलग होने में ही उनकी एक यूनिटी है, और वो एक जो खूबसूरती है वो आई थिंक कहीं ना कहीं हर एक इंसान हर एक कजिन से रिलेट करेगा, उसका जो बोलने का तरीका है, जो सोचने का तरीका है, जो ज़िंदगी जीने का तरीका है, एंड उसके अलावा मेरा जो किरदार है उसका नाम है शिखर रंधावा। शिखर जो है सबसे यंगेस्ट कज़िन है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो मेंटालिटी है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो जेन जी से ज़्यादा रिलेट करता है, एंड ये एक डर्ट बाइक रेसर है जो मुंबई आता है, एंड एक फूड डिलीवरी आप के लिए काम करने लगता है, एंड अपने कजिन्स के साथ रहता है, और कैसी उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है, कैसे उसे प्यार हो जाता है मुंबई शहर में एक लड़की से, और कैसे उसकी कज़िन उसकी ज़िंदगी में, उसके काम में, और उसकी लव लाइफ में उसकी हेल्प करते हैं, और उसे मैच्योर करते हैं, और आगे ज़िंदगी में लेके जाते हैं। जी बिल्कुल। अभी और पल जी, यहाँ पे अगर कजिन्स की बात है, स्टोरी की बात हो, तो इंडियन कल्चर में हम हमेशा देखते हैं कि लव हो, ब्रेकअप हो या कुछ भी हो, कजिन सबसे पहले याद आते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा है? 100% मेरे साथ ऐसा है, क्योंकि कजिन्स वो लोग होते हैं जो हमें बचपन से जानते हैं, तब से जब से हम खुद को जानते हैं, जब से हमने होश संभाला होता है, वो हमारी रग रग से वाकिफ होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार कोई जाए आए, ये रिश्ते तो ऐसे हैं जैसा कि दिव्या ने भी लास्ट टाइम कहा था कि ये ईश्वर की तरफ से दिए गए हैं, हमने नहीं खुद बनाए, हम जो खुद रिश्ते बनाते हैं उनके लिए हमें लगता है थोड़ा बहुत, पर ये तो ऐसा है कि जैसे हमारे साथ है, हमारा हाथ है, हमारा पैर है, वैसे हमारे कजिन्स हैं जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहने वाले हैं। लेकिन मैं आप सभी से गुजारिश भी करना चाहूँगा साथ साथ कि आज की दौड़ में या आज की ज़िंदगी में, चलती ज़िंदगी में जो आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी डिवेट हो जाती हैं अपनी फैमिली से, फैमिली को ना भूलें, फैमिली को और कजिन्स को ना भूलें, क्योंकि जैसे सिबलिंग्स भी हैं फॉर दैट मैटर, हम लोग कजिन्स प्ले करें, लेकिन ये हम लोग कोई रियल ब्रदर सिस्टर से कम नहीं है, जितना हम लोग बॉन्ड है हमारा, जो वो ऐसा है जो अटूट बंधन जैसा होता है कि भाई अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी या सबसे बड़ी कोई भी खुशी होगी तो हम लोग सबसे पहले एक दूसरे को याद करेंगे, ऐसा ही हो सकता है, और ये कमाल का बॉन्ड आप लोगों का भी बन सकता है, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश कीजिए 20 अक्टूबर को हमारी फिल्म देखने आने की। मैं अपने कैरेक्टर के बारे में ये कहूँगा, बजरंग मेरे कैरेक्टर का नाम है, ये लोग प्यार से मुझे बज्जू बोलते हैं, बहुत ही इनोसेंट का है, आप सभी लोग इसके साथ कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल आप जैसा है, लोग जनरली वेट लूज़ करते हैं कैरेक्टर के लिए, ये मेरा डेब्यू था, मैंने वेट गेन किया है कैरेक्टर के लिए, जिससे कि मैं बिल्कुल नॉर्मल लगूँ, जिसमें ऐसा ना लगे कि यार ये फिटनेस फ्रीक है या कुछ भी है, बिकॉज आई एम, एंड मैंने XXX XXL शर्ट्स पहनी है अपनी बॉडी को बिल्कुल छुपाने की, और मतलब ये करने के लिए मैं चाहता हूँ जब आप थिएटर में जाएं तो आप ये भूल ही जाएं कि ये पोलवी पूरी है, आपको ये लगे कि ये बजरंग है, ये बज्जू है, और आप सब उसी के साथ कनेक्ट कर पाएं। मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहूँगा कि ये 2 घंटे 20 मिनट जो आपकी ज़िंदगी के होंगे, जो आप हमें देंगे प्रीशियस निकाल के, वो डेफिनेटली वर्थ वाइल होंगे, आप बहुत इन्जॉय करेंगे उन्हें, और आपको ज़रूर थिएटर से निकलने के बाद मन करेगा यार एक बार कज़िन को या सिबलिंग को फ़ोन तो कर लूँ, कैसा यार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे लोगों को जो शायद कजिन से बहुत टाइम नहीं भी मिले होंगे, या ऐसा भी कह सकते हैं कई बार कुछ मनमुटाव भी हो जाता है, तो वो भी दूर होगा ये मूवी देख के। दिव्या जी,
ऑफ स्क्रीन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। हम फिल्म में ट्रेलर में देख रहे हैं धमाल देखने मिल रही है, आप लोगों से बात करके के भी लग रहा है कि आप भी आपस में अब काफी अच्छे फ्रेंड्स बन गए। ऑफ स्क्रीन कितना मजा आया साथ में काम करके, कैसी कैसी बॉन्डिंग देखने मिली और कितना मजा आया खास करके शूटिंग टाइम पे, कहीं बाइक चलाते हुए दिख रहे हैं, कहीं आपको भगाते हुए ये दिख रहे हैं, तो कोई ऐसा मोमेंट जो आपको याद रह गया जो आप शेयर करना चाहती हैं? एक मोमेंट था जो मुझे सीन में बहुत पसंद है कि ये दोनों मेरे भाई मेरे घर में टपक पड़ते हैं और मैं इनके साथ एक्चुअली मैंने इनको बहुत फ्रॉड करके बुलाया होता है और ये बेचारा ऑफिस से कैसे कैसे अपने बॉस को वो करके आता है और ये भी बहुत मुश्किल से कुछ काम छोड़ के आता है और फिर ये दोनों मेरे पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि मैंने इनका डे खराब कर दिया होता है और मेरे पास कोई रीज़न नहीं होता मेरे घर में बुलाने का और ये मेरे पीछे भागते हैं और मैं आगे भागती हूँ और कैसे मैं डाइनिंग टेबल के नीचे से निकलती हूँ एंड ऑल दैट, तो वो बहुत बहुत मस्ती होती है उस सीन में। तो आई थिंक वो सीन मुझे बहुत यू नो धमाल लगा और बहुत कॉमिक है वो सीन। और फिर एक्चुअली आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी, नहीं तो मैं सब यहाँ पे बता दूंगी। तो वो कहा कि ऑफ स्क्रीन कुछ बताने मिले तो और लोगों को जी, तो ऑफ स्क्रीन उस सीन में हमने बहुत ज़्यादा मतलब यू नो हमने काफ़ी मतलब एड ऑन भी किए डायलॉग्स और बहुत फन मस्ती हो गई। तो डायरेक्टर्स ने जो मेरे मुँह से नेचुरल डायलॉग्स लिखे वो रिटेन कर लिए पिक्चर में, कुछ ऐसा लिखे नहीं हुए थे उसमें, तो आई थिंक उसमें इम्प्रोवाइजेशन हुई। और अदरवाइज ऑफ स्क्रीन आई थिंक हम इतने हेक्टिक शूट कर रहे थे, इतने ज़्यादा घंटे शूट करते थे कि हमारे पास टाइम नहीं होता था बिकॉज हम 30-30 घंटे शूट करते थे। और यू नो आई थिंक आपको डायरेक्टर वो कभी कट बोलते होंगे क्योंकि आपकी डायलॉग डिलीवरी इतनी प्यारी होती है, आप जो बोलते हैं वो वापस करेक्ट करने का मन करता है? मुझे इतने टेक्स नहीं लगते हैं मतलब, बट आई थिंक डायरेक्टर्स को कट तो बोलना पड़ेगा नहीं तो मैं बोलती रहूँगी पूरा दिन। या बट मैं जो कैरेक्टर कर रही हूँ लाडली का वो मेरे जैसा है, जैसी मैं रियल लाइफ में हूँ डायरेक्टर्स ने मेरे ऊपर बेस करके लिखा है, तो मुझे इतनी वो नहीं हुआ कि मुझे कोई कैरेक्टर बनना पड़ा, आई वाज जस्ट माय सेल्फ ऑन द सेट्स। तो वो मेरे लिए बहुत मजान जी से पूछती हूँ, चलिए ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन क्या डिफरेंस देखने मिलता है? आई थिंक ऑफ स्क्रीन हम ज़्यादा मस्ती करते हैं एंड जब कैमरा रोल नहीं होता, बिकॉज हमें ज़्यादा वक्त मिलता है टू जस्ट इन्जॉय द मोमेंट। बिकॉज क्या हुआ सेट पे, जैसा कि दिव्या जी ने कहा कि हम इतने लॉन्ग आवर्स वर्क कर रहे थे कि यू नो हम इतने और ऑल्सो इतनी डिफिकल्ट शूटिंग प्रोसेस था बिकॉज हम रियल लोकेशन में शूट कर रहे थे, तो कैसे यू नो हर टेक बराबर करें, टाइम वेस्ट ना करें सेट का। तो हम तीन एज एक्टर्स यू नो हमारा ध्यान तो इसी में था कि कैसे हम अपना कैरेक्टर ना छोड़ें, कैसे सीन्स कैसे डायलॉग याद रखें एंड हो सके तो अच्छे से सीन को करें। तो ज़्यादा वक्त नहीं मिला टू डू मस्ती ऑन सेट, बट ऑफ सेट या प्रमोशन के वक्त ज़्यादा हम मस्ती कर रहे हैं। ज़्यादा डायरेक्टर्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं तो हम बिल्कुल मस्ती नहीं की हमने सेट पर, हम बहुत लाइक सीरियसली अपना काम कर रहे थे। अच्छा, इतनी धमाकेदार फिल्म बन रही, इतना कॉमेडी देखने मिल रहा है, डायरेक्टर आपके स्ट्रिक्ट हैं? हाँ यार, डायरेक्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं अनफॉर्चुनेटली और उनकी वजह से हमारे जितने भी अरमान थे मस्ती करने के, दिव्या जी की चलती नहीं है सेट पे। दिव्या जी की चलती है पर वो चलाती नहीं क्योंकि वो बहुत ही डेडिकेटेड एक्टर हैं, जब वो सेट पे जाती हैं तो वो एक्टर बन जाती है, फिर वो चलाती नहीं है। ओके, ठीक है, आप गुजरात आए हैं, नवरात्रि चल रही है गुजरात में, क्या कहना चाहेंगे? आपने गरबे देखे? हमने गरबे देखने हैं, हम आज ही आए हैं और आज हम बहुत सारे गरबे पार्टी में जाने वाले हैं, बहुत सारा गरबा खेलने वाले हैं, वेरी एक्साइटेड। ओके, गरबे देखे हैं दिव्या जी, आपको गरबे पसंद है? मुझे बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि मैं इतने डांडिया में नहीं गई हूँ एक्चुअली, और मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि मैं आज जाने वाली हूँ और मैं फुल डांस करने वाली हूँ, स्पेशली हमारे यारियां टू के गानों पर, क्योंकि हमारी पिक्चर में 8 गाने हैं जो कि बहुत बहुत हर तो मौसम का गाना अभी हो जाए। 8 गाने हैं फिल्म में, लोग अभी भी उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। अभी आप तीनों हैं पर हम डांस करके दिखा, डांस भी हम करेंगे, गरबा करेंगे, हम गरबा करेंगे साथ में। पहले एक गाना गा लेते हैं और फिर हम साथ में आपके किसी गाने पे गरबा करते हैं। हमारे किसी गाने पे वो रीमिक्स, गरबा रीमिक्स वाला वो नहीं है हमारे पास अभी, तो हम पहले कोई गाना अच्छा सा। हाँ, सिमरू तेरा नाम का डांडिया मिक्स है, तो अभी कोई गाना गा लो उसके बाद हम गरबा करेंगे। डांडिया मिक्स है, सांसों की माला का हुक लेट सिंग ना, which we did in हाँ वो बहुत वंस है, देखा आपने? हाँ, चलिए ठीक है, ready? कहाँ से? सांसों के, नहीं नहीं मैं सांसों की, ठीक। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम, अपने मन की मैं जानूं और तेरे मन की राम, सांसों की
सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। लवली। एक्चुअली ये सॉन्ग मुझे भी बहुत पसंद आया है। ठीक है, गुजरातियों को गुजराती में बोलना पड़ेगा आपके फिल्म देखने के लिए। चलिए मैं मिजान जी से शुरू करती हूँ। आप हेल्प कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या जी, गुजराती में सीख लूंगी आपसे। ठीक है चलिए, तो हमारी फिल्म बहुत ही शॉर्ट में बोलना है, हमारी फिल्म जरूर थी जो, जरूर थी जो, ये अरे वाह, हमारी फिल्म जरूर थी जो, हमारी फिल्म यारियां टू जरूर थी जियो, हमारी फिल्म यारियां टू जरूर थी जो। ओके चलिए, अभी हम एक बार गरबा करेंगे गुजरातियों के लिए। फिल्म तो देखनी ही है, 20 ऑक्टोबर ने आ फिल्म आ रही है, कजिन्स नो लव आ फिल्म में जोवा मळवानो छे, और साथ ज बहु बधी धमाल मस्ती पण आ फिल्म में जोवा मळशे, इमोशन्स पण आपणने जोवा मळशे, ने स्टारकास्ट आपणने जणाव्युं छे एमना गरबा पण आपणे जोईशुं। कैमरामन बंटी डागर साथे पीनल यादव, गुजरात न्यूज अमदावाद। અને સમાચારોના અંતમાં નજર કરીએ હેડલાઇન્સ પર, નમસ્કાર। હેડલાઇન્સના પ્રાયોજક છે સ્વાસ્થ્યની સાધના, ઈશ્વરની આરાધના, 5 તારા અને 5 સ્ટાર ફરાળ વડે જ વ્રત ફળે। સમલૈંગિક લગ્નને માન્યતા આપવાનો સુપ્રીમ કોર્ટનો ઇનકાર, કહ્યું કોર્ટ કાયદો બનાવી શકે નહીં, મેરેજ એક્ટમાં ફેરફાર કરવાનું કામ છે સરકારનું। બાબા બાગેશ્વર કરશે ફરી એકવાર દિવ્ય દરબાર, અમદાવાદના આથીજણ વિસ્તારમાં દિવ્ય દરબારનું કરાયું આયોજન, 18-20 દરમિયાન ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીનો યોજાશે દિવ્ય દરબાર। દિલ્હીમાં રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારનું કરાયું આયોજન, વૈદા રહેમાનને મળ્યો દાદા સાહેબ ફાળકે એવોર્ડ। આરાધના 5 તારા અને 5 સ્ટાર ફરાળ વડે વ્રત ફળે।